पहली बार लैब से पैदा होगा पहला बच्चा, भगवान की बनाई दुनिया पर विज्ञान का कब्जा होगा। ना कोई गोरा होगा ना कोई काला, एक रंग एक शक्ल, विज्ञान का यह प्रयोग दुनिया को खत्म कर देगा। 2023 में होगा विश्व युद्ध, सुनामी भी आएगी 2023 के लिए, बाबा वेंगा की वो सात भविष्यवाणियां। भगवान की बनाई दुनिया पर विज्ञान की पकड़ धीरे धीरे इतनी मजबूत हो रही है कि अब अपनी मर्जी से लोग लड़का लड़की, गोरा काला या किसी भी शक्ल का बच्चा डिजाइन कर सकते हैं। यह सब सुनकर हो सकता है आप कमेंट में लिखें यह सब फर्जी बातें हैं, तो आपको इसके कुछ सबूत दिखाते हैं। इसकी शुरुआत बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से करते हैं, फिर आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो यह बताती है कि ऐसा हो सकता है। 9/11 हमले और रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई भविष्यवाणियां करने वाले बाबा वेंगा ने कहा है, आने वाले समय में वैज्ञानिक इतनी तरक्की कर लेगा कि वह लैब में बच्चे बनाएगा। आजकल IVF तकनीक से ऐसा हो ही रहा है, लेकिन उसके आगे बाबा वेंगा ने कहा कि साल 2023 में लैब में बनने वाले बच्चे के त्वचा का रंग और अन्य शारीरिक विशेषताएं भी माँ बाप अपने हिसाब से तय करवा सकेंगे। अगर यह भविष्यवाणी सच निकली तो फिर समझिए कि इंसानों के बच्चा पैदा करने का पारंपरिक तरीका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिलहाल वैज्ञानिक इतनी तरक्की कर लिए हैं कि वो किसी भी जानवर या इंसान का क्लोन यानी फोटो कॉपी बना सकते हैं। यह दो तस्वीर देखिए, पहली तेजस्वी तस्वीर रियल भेड़ की है, जबकि दूसरी तस्वीर साल 1996 में वैज्ञानिकों की ओर से बनाई गई डॉल भेड़ की है। कोई भी पहली नजर में यह देखकर पता नहीं लगा पाएगा कि इनमें रियल कौन है। यह तकनीक इंसानों पर भी लागू होने वाली थी। अगर ऐसा हुआ होता तो फिर कोई भी व्यक्ति जिसकी मौत होने वाली है उसी की तरह दूसरे व्यक्ति को क्लोन के जरिए तैयार किया जा सकता था, लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि वह व्यक्ति सिर्फ दिखने में उसकी तरह होता, बाकी उसका हाव भाव, चाल चलन, बोली भाषा सब कुछ अलग होती और यह किसी भी इंसान की निजता का उल्लंघन भी होता। इसलिए वैज्ञानिकों ने अब तक इंसानों का क्लोन नहीं बनाया है। जिस दिन यह बन गया समझिए दुनिया में अलग तरह का भूचाल आ जाएगा। बाबा वेंगा पहले ही कह चुके हैं कि साल 2023 कई मामलों में दुनिया को बड़ा झटका देने वाला है। उनकी सात भविष्यवाणियां अगर सच साबित हो गईं तो शायद आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। 8 अरब से घटकर इंसानों की संख्या काफी कम हो सकती है। पहले उनके साथ भविष्यवाणियां सुनिए, फिर आपको बताते हैं इनमें से कितनी सच साबित होने की कगार पर हैं। भविष्यवाणी नंबर 1, धरती अपना कक्ष बदल लेगी, इसका भयानक परिणाम दिखेगा, बड़ी तबाही मच सकती है। भविष्यवाणी नंबर 2, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, इसमें परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो सकता है। भविष्यवाणी नंबर 3, लैब बेबी से ऐसे बच्चे का जन्म हो सकता है जिसका रूप रंग वैज्ञानिक डिजाइन करेंगे। भविष्यवाणी नंबर 4, सौर मंडल में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसकी वजह से बड़े तूफान का खतरा मंडरा रहा है। भविष्यवाणी नंबर 5, पृथ्वी पर एलियन का भीषण हमला हो सकता है, लाखों लोगों की जान जा सकती है। भविष्यवाणी नंबर 6, बिजली प्लांट में विस्फोट से जहरीले बादल बन सकते हैं, इससे खतरनाक बीमारी होगी। भविष्यवाणी नंबर 7, सेरोगेसी की समस्या खत्म हो सकती है और प्राकृतिक जन्मों पर प्रतिबंध लग सकता है। ये वो भविष्यवाणियां हैं जिन्हें सुनकर लोगों को डर लग रहा है। नेत्रहीन बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां साल 2022 में भी सच साबित हुई। जहां तक सौर तूफान की बात है तो ऐसा ही 1869 में भी हुआ था, जिसके कारण कई दिनों तक धरती जलती रही थी। साल 2021 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि सौर तूफान धरती की ओर बढ़ रहा है, हालांकि उसके बाद कोई अपडेट सामने नहीं आया। कई बार भविष्यवाणी गलत भी साबित हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बतलाइए। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइव, बिहार।